श्री राधे राधे गुरुदेव। वैसे तो आज के प्रश्न पूरे हो गए, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है आपसे। जिज्ञासा ये है कि जैसे अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से जितना उनके अंदर जो प्रश्न थे वो सब कुछ पूछे, जिन विषयों पर वो पूछना चाहते हैं वो सब कुछ पूछे हैं, कोई छोड़े नहीं हैं, और श्री भगवान ने उसका पूरा विस्तार से समझाया है अर्जुन को, ज्ञान मार्ग बताए, वैराग्य मार्ग, ज्ञान संन्यास योग, भक्ति योग, सब कुछ बता दिए हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु मेरी तो अल्प बुद्धि है, जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने आपसे पूछा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी भी कोई बात है जो मैं नहीं पूछ पाया और जो हमारे हित के लिए है, समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए है, तो वो बात आप मुझे बताइए। तब भगवान ने ऐसी ऐसी गूढ़ बातें बताई हैं, तो मैं आप श्री से भी वही अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप हम भक्तों के कल्याण के लिए कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे हमारा कल्याण हो, हमारी सदगति हो, भगवत प्राप्ति हो। श्री राधे राधे। श्री राधे। भगवान से पहले अर्जुन ने पूछा था शुरू शुरू में, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। तुरंत ये भाव प्रकट हुआ कि ये हमारे रिश्तेदार नातेदार और भाई रिश्ते में ये सब नहीं है, हमारे गुरु हैं। तो कहा यच्छ्रेय, जो सबसे ज्यादा कल्याणकारी बात हो, साधिमाम, कड़ाई के साथ, साधिमाम अर्थात मुझे पकड़ करके सावधानी के साथ, मुझे अपने वश में लेकर कड़ाई के साथ, नियंत्रण के साथ आप मुझे मार्गदर्शन करिए, क्योंकि मैं आपका शरणागत हो गया हूँ और शरणागत के ऊपर पूरा आपका अधिकार है। आप शरण प्रदाता हैं, शरण्य हैं, मैं आपका शरणागत सेवक हूँ, शिष्य हूँ। तो फिर भगवान ने उपदेश जो किया है वो मैं जब गीता की बात सुनाऊंगा, गीता पाठ करूंगा तब बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भगवान ने फिर क्या किया है। अर्जुन को पहले तो ये बोल दिया कि तुमको असमय में ये मोह कहाँ से पैदा हो गया, ये युद्ध का समय है, मोह का नहीं है। तुम अपने को बहुत बड़े ज्ञानी समझ रहे हो, ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि तुम ज्ञानी नहीं हो। कैसे ज्ञानी नहीं है आप बता तो दीजिए कि मैं समझ जाऊं कि ज्ञानी नहीं। बोले ज्ञानी वो होता है जो न तो जिंदा के लिए शोक करता है न मरे के लिए शोक करता है, और तुम शोक पहले से कर रहे हो, और शोक करने योग्य कुछ चीज नहीं होता, कर्तव्य करना होता है, शोक करना कुछ चीज का सार नहीं होता है, सलूशन नहीं होता है। अशोचन अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिता। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो जो मर गए हैं और जो जिंदा हैं उनके लिए कभी शोक नहीं करते हैं, कर्तव्य का ही सावधानी के साथ पालन करते हैं। और तुम जिनके लिए मरने वालों की बात कर रहे हो, वो तो शरीर मरने वाला है, आत्मा तो मरता ही नहीं है। तो तुम ज्ञानी तब हो जब आत्मा का ज्ञान हो। तो ये ज्ञान की बातें भगवान ने बताई। फिर कर्तव्य का निर्देश किया तीसरे अध्याय में, फिर उसके बाद निष्कामता की बात बताई, फिर उसके बाद भगवान ने समदर्शिता की बात बताई कि समभाव तुम्हारा कैसे रहेगा। उसके बाद भगवान ने कहा धर्म की रक्षा के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, अपने लिए भी कह दिया मेरे भी बहुत जन्म हुए, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए, और साधना में संयम की बात बताई। इसके बाद भगवान ने विभूति का वर्णन कर दिया, शरणागति की बात बताई है, योगक्षेम वहम की बात बता दी। अब अर्जुन की जिज्ञासा हुई कि प्रभु आपका
जो रूप आप विभूति में बता रहे हैं वैसा तो मैंने कभी देखा नहीं। आप अपने को मृत्यु देवता भी बता रहे, मृत्यु शाम, तो आप कैसा रूप मुझे दिखा सकते हैं? तो भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। अर्जुन को कह दिया, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अने नैव सो चक्षुषा दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। तू अपने इन प्राकृत नेत्रों से मुझे नहीं देख पाएगा, इसलिए दिव्यम ददामिते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूँ जिससे मुझे देख सकेगा। और वो दर्शन प्राप्त करने के बाद, विराट स्वरूप भगवान का दर्शन करने के बाद, अर्जुन के दिव्य नेत्र थे तब भी कांपने लगे। बोले, मैं भयभीत हो रहा हूँ प्रभु, मुझे जो पहले वाला रूप वही दिखा दीजिए। फिर इसके बाद अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जो रूप दर्शन मैंने किया है और आपकी कृपा का अनुभव किया है, ये तो सगुण साकार ईश्वर में ही होता है, तो निर्गुण निराकार की साधना वालों को क्या मिलता है? तो भगवान ने कहा, उनको भी यदि सावधानी से करें तो भगवत प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष होता है। लेकिन सगुण साकार की भक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उसी से प्रेम प्राप्त होता है। भगवान ने कर्तव्य के विषय में 13वें अध्याय में बताया कि शरीर ही शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही, भगवान ने गीता जी में तो कह दिया, एक खेत है, इस खेत में जो बीज बोओगे वही काटोगे। भगवान ने कहा, जो बीज बोओगे उसी की फसल काटोगे। इदम शरीरम, भगवान ने कहा क्षेत्र, ये क्षेत्र अर्थात खेत है शरीर, और इसके दो मालिक हैं, इस खेत के दो मालिक हैं। एक मालिक तो होता है कौन, किसान, और दूसरा मालिक गवर्नमेंट होती है, जब चाहे गवर्नमेंट किसान से खेत ले लेता है। ऐसे ये शरीर रूपी खेत के दो मालिक हैं, एक तो जीवात्मा मालिक है जो इसका भरण पोषण, रख रखाव, आसन व्यायाम, प्राणायाम, सफाई, ये सब करते हुए इसकी रक्षा करता है, और दूसरा मालिक होता है इसका ईश्वर, जो समय आने पर वापस ले लेता है इसको, फिर जीव नहीं रोक पाता है। वो सबसे ऊपर वाला मालिक, छोटा मालिक होता है जीवात्मा। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा की शरण में जाकर के उनसे प्रेरणा आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ज्ञान देते हुए भगवान ने अर्जुन से साफ साफ कह दिया कि जो जीवात्मा ईश्वर का अंश है, वही शरीर का एक प्रकार से स्वामी है, लेकिन परम स्वामी तो भगवान ही होते हैं। इसलिए मैं गुह्यतम बात तुमको बताना चाहता हूँ, गोपनीय तो ज्ञान मैं पहले सुना चुका, और अब परम गोपनीय बताना चाहता हूँ, वो ये है कि तुम मन से अपने को सेवक मान करके, भगवान ने कह दिया वो ईश्वर मैं ही हूँ, अब तक अपने को छिपाए रखे थे, फिर भगवान ने कह दिया जिस ईश्वर की बातें मैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उस ईश्वर की शरण में चले जाओ। तो भगवान, अर्जुन ने पूछा वो ईश्वर कहाँ जिसके शरण में चला जाऊँ, तब भगवान ने कह दिया मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ कि मैं तुमको पूरा पूरा संभाल लूंगा, और मेरे धाम तक पहुँचाने के लिए भी मेरी जिम्मेदारी है, बस तुम्हें कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या करना होगा? तुम अपने मन को मेरे लिए लगा दो, और जगह मन को मत ले जाओ, मुझ में लगा दो, और मत भक्तो अर्थात मेरे सेवक बन जाओ। मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगाओ, और मत भक्तो अर्थात मेरे सेवक बन जाओ, दूसरे के नहीं, दिखावे के लिए भले हो लेकिन सच्चे सेवक मेरे बने रहो। मद्याजी, और मेरा ही यजन करो, मेरा पूजन करो। माम नमस्कुरु, और मुझे ही प्रणाम करते रहो, मुझे नमन करते रहो, मेरी परिक्रमा करते रहो,
मेरा गुणगान करते रहो, माम नमस्कुरु मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अर्जुन यदि इतना तुम कर ले गए तो तुम मेरे धाम में ही शरीर छोड़ने के बाद पहुंच जाओगे मेरे पास। मैं इसकी प्रतिज्ञा पूर्वक पुष्टि कर रहा हूँ। ये जैसे शपथ कोई ली जाए, ऐसे भगवान ने शपथ लेकर के कहा तुम नहीं भटकोगे कहीं, तुम मेरा मेरे होकर मेरे चरणों में आकर के मेरे धाम में अंत में पहुंच जाओगे। और फिर भगवान ने कह दिया जो दुनिया की जिम्मेदारियां हैं उनको तुम दिखावा के रूप में कर्तव्य पालन के रूप में करते जाओ, लेकिन सबसे ऊपर धर्म है मुझे मेरे होकर मेरे प्रीति भाजन बनो, मेरे भक्त बनो। इसलिए और जिम्मेदारियों को गौण समझ लो, वो उनसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी भक्ति करना तुम्हारे लिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बोले महाराज जो हमसे पाप बहुत से हो गए, तमाम युद्ध में हमने लोगों के साथ युद्ध किया, मर भी गए, जीव जंतु मरे हैं, तो ये सब का फल भोगने क्या नरक में जाना पड़ेगा हमको? बोले अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ, और मां शुच चिंता मत करो, सारे पापों को सफा करके तुमको निष्पाप बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम्हें क्या करना है? सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। तुम और सब धर्म जो संसार के होते हैं, लौकिक धर्म, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, उन सब से हट करके उनको त्याग करके एक भागवत धर्म अर्थात भक्ति के धर्म को ही स्वीकार करो। और उसमें होता क्या है, माम एकम शरण व्रज, एक मेरे शरणागत हो जाओ तो तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, केवल इस जन्म के नहीं पिछले जन्मों के भी, और तुम निश्चित ही मेरे धाम को प्राप्त करके मेरे भक्त बन जाओगे। ये भगवान ने कहने के बाद कह दिया अर्जुन जो मैंने आखिरी बात सुनाई है ना, ये सबको मत बताना, ये जो आखिरी बात मैंने बताई ये सबको मत बताना। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुशुषवे वाचम न च माम योभ्यसूयते। क्यों नहीं बताना प्रभु, उनका लाभ हो जाए तो? बोले उनका लाभ इसलिए नहीं होगा कि उनकी श्रद्धा कमजोर है। कई तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो मेरे अंदर कितने दोष बता देंगे तुम, योभ्यसूयते। और कोई ऐसे भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल भक्ति विरोधी आचरण वाले हैं, उनको बताओगे तो मेरी निंदा करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, उपहास करेंगे। इसलिए असंयमी को मत बताना और अभक्त को मत बताना, और जो सुनना नहीं चाहता है उसको जबरदस्ती मत सुनाना। और महाराज यदि कोई मिल जाए सही जिसको बताना चाहिए, भक्त है, श्रद्धावान है, संयमी है, सुनने का इच्छुक है, बोले ये तो बहुत अच्छा होगा। ये इमं परमं गुह्यं मदभक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यत संशय। और जो मेरे श्रद्धावान भक्तों को, जो उसके पात्र हैं, दोषदर्शी नहीं हैं, मेरे लिए भाव सही रखते हैं, उनको सुनाता है तो वो ऐसा जो मेरा सेवक है ये सुनाने वाला, वो अंत में मेरे धाम को ही प्राप्त कर लेता है। और उसके जैसा न तस्मान मनुष्येषु
कश्चिन मे प्रिय कृतम भविता न च मे तस्माद अन्य प्रियतरो भूय। उसके जैसा प्रिय मुझे कोई दूसरा है नहीं, आगे हो भी नहीं सकता, ये भी कह दिया। और श्रद्धा वानन सूयश्च शुणुयादपियो नर स्वप्नुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा से इस रहस्यमय उपदेश को सुनकर उसी के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देता है, तो केवल श्रवण परायण होने से, केवल श्रवण परायण होने से ही उसको सर्वोत्तम लाभ जीवन का प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति सब हो जाती है। और जो गीता को केवल पढ़ता है, अध्येष्यते च इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मति। और जो केवल गीता के ग्रंथ को पढ़ता है या सुनता है, उसके द्वारा नित्य प्रति ज्ञान यज्ञ संपन्न होता है, जिसका फल होता है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के चरणों की भक्ति। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, और फिर से जन्म लेने के लिए नहीं आना। जब भगवान का कभी अवतरण हो तो भगवान के साथ आएगा, वो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए, उनका आनंद प्राप्त करने के लिए, कर्म भोगने के लिए, कर्म बंधन से माया के कारण जो फिरत सदा माया कर फिरा, वो बंधन खत्म हो जाएंगे। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे भक्त का भी भगवान की इच्छा से अवतार होता है, वो उस कैटेगरी में पहुंच जाएगा, वहाँ किसी प्रकृति का शासन नहीं होता है, वहाँ भगवान की सेवा के लिए आविर्भाव होता है। ऐसा जन्म जो होता है, ये तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम, भगवान ने कहा इस लोक में, संसार में ऐसा जन्म अति ही दुर्लभ होता है। किसी बहुत महान जीवात्मा को ऐसा जन्म मिलता है जो मेरे इस सेवा कार्य को करने के लिए जन्म लेता है, वो मुझे अति प्रिय होता है, वो मेरा परम प्रिय सेवक होता है। तो भक्तों को जो भगवान के विशेष पार्षद होते हैं, भगवान अपनी सेवा के लिए भेजते हैं, तो वो सेवा कार्य करने के कारण भगवान उनको संभालते हैं। और देवी देवता भी धरती माता जैसी कहती हैं, 3.5 करोड़ तीर्थ आपके चरणों में। तो भक्त भगवान का जो होता है, सेवक जो प्रभु का होता है, उसका जन्म अवतार होता है, जैसे भगवान का अवतार ऐसे भक्त का अवतार, वो कोई बंधन भोगने के लिए नहीं लेता है, समय से आता है, समय से चला जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री राधे।